بسم الله الرحمن الرحيم. ये सबक नफ़त अल-अरब का एक हिस्सा सबक है, उसको हमने तकसीम किया है तीन हिस्सों में, और एक हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, एक हिस्सा ये है। और इसमें यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा है कि मैंने उनके चेहरे अनवर पर जितनी भी निशान नबूवत के अलामत थे वो हम देख चुके थे, लेकिन सिर्फ एक अलामत जो है, दो अलामतें जो बाकी रह गए थे, तो उन दो अलामतों के बारे में उन्होंने ये सब कुछ किया कि उनके साथ खल्त मल्त होने के लिए, ताकि उनके साथ उठना बैठना हो, और उनसे मैं ये मालूम कर सकूं कि उनका गुस्सा उनके गुरुद्वारे पर गालिब है या गुरुद्वारे उसके गुस्से पर गालिब है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फब्तातो ये है इब्तिया से, इब्ता इब्ता फब्तातो बाबी इब्तियाल से, मिन हो किसे, ये ज़मीर राजे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फब्तातो मिन हो तमरन, मैंने उनसे खजूरें खजूरें खरीदी, मिन हो तमरन, मैंने उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूरें खरीदी, इला अजलिन एक मुद्दत के लिए। इससे मुराद, इस बाय से मुराद बाय सलम है, बाय सलम कि आप कीमत अदा कर दें और जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो आपको कुछ मुद्दत बाद आपको हवाला किया जाएगा, तो उस वजह से उसको कहते हैं बाय सलम। ये फ़िक़ह की किताबों में हम पढ़ चुके हैं। फ़अअतैतुहु अस्समना, अअता युअती अता, ये मुतअद्दी है दो मफ़ऊलों की तरफ। फ़अअतैतु ये फ़ाइल है, और बाबी एअता बाबी इफ़ाल। फ़अअतैतुहु किसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अस्समना ये मफ़ऊल अव्वल है और ये मफ़ऊल सानी है। फ़अअतैतुहु समना, तो मैंने उनको कीमत अदा कर दी। फलम्मा काना कुबैल, कुबैल कबल तस्गीर है, कुबैल महल, कुबैल महल महल अजल, यानी महल ये हलूल से मसदरी मीमे है कि अजल के आने माना है आना, मुद्दत मुद्दत मुकर्ररा कि आने से पहले, कि आने से थोड़े से पहले, भी यौमैन कितना पहले, यौमैन दो दिन, दो दिन यौमैन, ये यौमान हाल तरफी है और यहाँ पर बाहर फिजर है, तो इस वजह से ये तस्नी का सीगा है, तस्निया, और तस्निया हालत रफ़ी में अलिफ के साथ है, अलिफ माकबल मफतू के साथ, और हालत जर्री में या माकबल मफतू के साथ है, या माकबल मफतू के साथ है, और ये नून इसमें गिर जाता है कभी कभी जब ये इजाफत होता है इसके। औ सलासतिन बी यौमैन औ बी सलासतिन, ये सलासतिन किसकी वजह से, ये बाहर फिजर की वजह से है। औ सलासतिन या दो दिन पहले या तीन दिन पहले मैं आया किसके पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अतैतुहु
वो ज़मीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और आते ही तुफैल तो ज़मीर ज़मीर मरफू मुत्तसिल, और वो ज़मीर मनसूब मुत्तसिल बिलफ़ैल है। फ़अख़ज़्तु अख़ज़ा याख़ुज़ु, और ये महमूज़ है, महमूज़ुल फ़ा है, फ़ैल महमूज़ुल फ़ा है, तो ज़मीर फ़ाइल है, मैंने उनको पकड़ा। फ़अख़ज़्तु मैंने पकड़ा, बिमजामिअ बाहर फिजर है, मजामिअ पर ज़ेर है इसलिए कि इजाफत है, मजामिअ तो यहाँ पर मजामिअ ये मजमा की जमा है, मजमाउल कमीस, मजमाउल कमीस कहते हैं कमीस के किनारे को, कमीस के पल्लू को, वरिदा ही कमीस ही ज़मीर किसकी तरफ राजे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़मीर राजे है, और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, और रिदा ही में ज़मीर भी मजरूर मुत्तसिल है, और रिदा कहते हैं चादर को। व नज़रतु इलैहि इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनकी तरफ देखा, बे वजहन गलीज़न, बे वजहन गलीज़न इन्हें गुस्से के अंदाज़ में, गुस्से वाले चेहरा बना के मैंने उनकी तरफ देखा, बे वजहन गलीज़न बाहर पे जर है, बे वजहन गलीज़न, सुम्मा जब मैंने उसको गुस्से से देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सुम्मा कुल्तु तो मैंने उनसे फिर मैंने कहा, अला तक़्ज़ी आया तू अदा नहीं करता, आया तू अदा नहीं करता, या मुहम्मदो ये आरफ़ निदा, और ये मुनादा, और मुनादा मुफ़रद मुफ़रद है तो मबनी बिज़म है। हक़ अला तक़्ज़ी, तक़्ज़ी फ़ैल और अंत ज़मीर इसमें फ़ाइल, या मुहम्मदु, और हक़ी हक़ी में यह ज़मीर जो है ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। हक़ी क्या तू मेरा हक़ अदा नहीं करता, और ये हक़ी यहाँ पर हालत नस्बी में है। फ़वल्लाहि वाव बराए कसम है, वल्लाहि जब कसम के लिए हो, और कसम वाव कसमिया जो है वो हरूफ जर में से है, तो लफ्ज़ जलाला पर कसरा आएगा। इन और कुम, कुम जो है ये ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है, और ये इन जो है इन ये हर्फ मुशब्बा बिलफ़ैल के साथ, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या बनी अब्दुल मुत्तलिब ए बनी मुत्तलिब कुम, और या बनी कुम से कौन मुराद है, या अब्दुल मुत्तलिब कि तुम बेशक तुम, ज़ू ये ज़ू की जमा है, ज़ू की जमा क्या है,
ज़ऊन, ज़ऊन, लेकिन यहाँ पर ये इजाबत की वजह से यहाँ पर नून नहीं है। मतलिन, मतल कहते हैं ठाल मटोल को, ठाल मटोल के बेशक अब्दुल मुत्तलिब के औलाद तुम ठाल मटोल करने वाले हो। फ़क़ाल उमर, ये कौन कह रहा था, ये वो यहूदी जो बाद में मुसलमान हो चुका था। फ़क़ाल उमर, तनवीन नहीं आएगी इसलिए कि ये गैर मुनसरफ है और इसमें दो सबब है, एक आलम और एक आदल, और आदल तकदीरी। अय अदुवल्लाह, अय अदुवल्लाह, अय ये हरफ निदा है और अदुवल्लाह ये इजाफत है तो मनसूब है। अतकूलु, हमजा इस्तिफाम के हैं, और तकूलु क्या तुम कहते हो, ये रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाम हरफ जर है, ये रसूलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मा वो कुछ अस्माउ जो मैं सुनता हूँ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या आप वही कुछ कह रहे हो जो मैं सुनता हूँ। फवल्लाह, वल्लाह वाव कसम के लिए तो मजरूर है। लौला, लौला ये हरूफ गैर आमिल में, और इसके बारे में तफसील से हम नहवी में पढ़ चुके हैं कि ये दूसरे के मौजूद होने के पहले की नफ़ी करता है। लौला मा, उस चीज़ के उहाज़िरो, अंदेशा वो चीज़ न होती, वो चीज़ न होती जिसका मैं अंदेशा करता हूँ। माँ, और इसमें हूँ ज़मीर किसकी तरफ राजे है, इस माँ की तरफ। उहाज़िरों, उहाज़िर यानी एहतराज़ और इत्तिका, जिससे मैं डरता हूँ या जिसका मैं अंदेशा करता हूँ। क़ुर्बहू, और इससे माँ उहाज़िर क़ुर्बहू से मुराद क्या है, अराद भी अज़ाब अल्लाह, अगर मैं उस चीज़ का डर न होता यानी अल्लाह ताला के अज़ाब का डर न होता। लज़रबतु, ज़मीर मरफू मुतसिल लज़रबतु और मुतकल्लिम का सीगा है, तो ये शर्त है, ये शर्त और ये जज़ा है। लज़रबतु बिसैफी, बिसैफी बाहर विजर है, सैफ़ मुजाफ़ है, और यह ज़मीर ये मुजाफ़ इलैही है, और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। रा बिसैफी रास का, तो यह अरबी काफ जो है ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है और इजाफत की वजह से इसम लगा हुआ है, और जब इसम लगता है तो मुजाफ होता है, कभी इसके साथ इसमें हरफ जर लगता है। रास का, तो मैं मारता बिसैफी अपनी तलवार से, रास का तेरा गर्दन उड़ा देता, मैं आपका सर जो है वो मार देता। तो ये है नफ़तुल अरब, उस सबक का दूसरा हिस्सा, इसके बाद इंशाल्लाह उसका तीसरा हिस्सा भी हम बयान करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।